हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एबीयू इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं बिल्डिंग्स की, ऑक्यूपेंट लोड, उसके बारे में जानेंगे। बेस्ड ऑन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 NBC 2016 के मुताबिक। दोस्तों, ये टेबल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस टेबल में ऑक्यूपेंट लोड यानी पॉपुलेशन निकालने का तरीका है हर बिल्डिंग का। और ये टेबल आपको NBC 2016 पेज नंबर 26 फायर एंड लाइफ सेफ्टी पार्ट 4 में मिल जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे हम पॉपुलेशन निकालते हैं। दोस्तों, NBC ने बिल्डिंग्स को 9 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। दोस्तों, आइए अब थोड़ा टेबल के बारे में जानते हैं। टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेंसी, फिर ऑक्यूपेंट लोड फैक्टर, ये दिया गया है, तीन कॉलम है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में। दोस्तों, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की पॉपुलेशन निकालने का तरीका यह है कि उसका ऑक्यूपेंट लोड फैक्टर है 12.5। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लोर का एरिया, बिल्ट अप एरिया 500 स्क्वायर मीटर है, तो उसको डिवाइड करेंगे हम 12.5 से, तो वहाँ पे हमारी टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी कि जो हमें कंसीडर करनी है एज़ पर द NBC। फॉर एग्जांपल, अगर 500 स्क्वायर मीटर एरिया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, तो डिवाइडेड बाय 12.5 स्क्वायर मीटर पर पर्सन है, तो हम डिवाइडेड बाय 12.5 करेंगे, तो यहाँ 40 पर्सन्स, ये हमारी पॉपुलेशन आ गई रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। दूसरी आती है हमारी एजुकेशनल बिल्डिंग, जिसका ऑक्यूपेंट लोड फैक्टर है 4, मतलब जो भी एरिया है अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन आ जाएगी। एजुकेशनल बिल्डिंग में हमारी स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह आते हैं। ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हॉस्पिटल, सेनेटोरिया, सब आते हैं, जिसमें सबसे पहले आउटडोर पेशेंट एरिया, इंडोर पेशेंट एरिया। इंडोर पेशेंट एरिया की पॉपुलेशन निकालने के लिए हम एरिया को 15 से डिवाइड करेंगे, आउटडोर पेशेंट एरिया को निकालने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आती है हमारी ग्रुप डी असेंबली। असेंबली हमारी कई तरीके की बिल्डिंग हो सकती हैं। सबसे पहले जो कंसंट्रेटेड यूज़ विदाउट फिक्सिंग सीट, जिस 5 से हम डिवाइड करके पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। दूसरा है लेस कंसंट्रेटेड यूज़ विदाउट फिक्सिंग सीट, सी नोट 4, 1.4 से हम डिवाइड करेंगे इसके लिए। नोट 3 हम देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें जिम, टेबल टेनिस, बिलियर्ड रूम एंड अदर गेमिंग रूम, जितने भी गेमिंग रूम्स वगैरह, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल्स हैं, उनकी पॉपुलेशन निकालने के लिए हमें 1.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरा असेंबली बिल्डिंग का आता है फिक्सिंग सीट, जिसमें सीट फिक्स हों, हॉल्स वगैरह जो होते हैं हमारे, उसकी पॉपुलेशन निकालने के लिए सी नोट 4 कह रहे हैं ये। इन केस ऑफ असेंबली बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी हैविंग फिक्स सीट, उसमें जितनी भी हमारी सीट है उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन हम निकाल सकते हैं एज पर द NBC गाइडलाइन। दोस्तों, आखिर में हमारा असेंबली बिल्डिंग में आता है डाइनिंग एरिया, रेस्टोरेंट्स विद टेबल्स एंड सीटिंग एंड टेबल्स, उसमें 1.8 से हम डिवाइड करना पड़ेगा पॉपुलेशन निकालने के लिए। दोस्तों, उसके बाद ग्रुप एफ मर्केंटाइल बिल्डिंग, जो शॉप्स वगैरह कमर्शियल पर्पज़ के लिए आता है, वो हमारा मर्केंटाइल में आता है, उसकी पॉपुलेशन निकालने के लिए, जिसमें जो हमारे ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट की पॉपुलेशन निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर के फ्लोर्स, मतलब यानी ग्राउंड से ऊपर, फर्स्ट फ्लोर से अबव जितने भी होंगे, वहाँ 6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा एरिया को पॉपुलेशन निकालने के लिए। और ये सी में आता है स्टोरेज वेयर हाउस, इसकी पॉपुलेशन निकालने के लिए 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, ग्रुप ई में फिर हमारी बिजनेस बिल्डिंग आ जाती है, जिसमें हमें ऑफिस वगैरह ये सब आते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ ऑफिस हैं, वो चाहे इंजीनियर्स, लॉयर्स उनके हों, उसकी पॉपुलेशन कंसिडर करने के लिए 10 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर पर पर्सन के हिसाब से पॉपुलेशन कंसीडर की जाती है। ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जिसमें जहाँ भी उसकी पॉपुलेशन निकालने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद स्टोरेज, ग्रुप एच, सीन नोट 5 देख लेते हैं हम। स्टोरेज बिल्डिंग में कार पार्किंग एरियाज अंडर ऑक्यूपेंसी अदर देन स्टोरेज, अगर कार पार्किंग है हमारी बेसमेंट में, तो वहाँ 30 स्क्वायर मीटर पर पर्सन के हिसाब से 30 से डिवाइड करना पड़ेगा पॉपुलेशन निकालने के लिए। ये ग्रुप जे हैजार्डस, इसमें हमें पॉपुलेशन निकालने के लिए 10 से
डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी हमारी पॉपुलेशन, जो भी हमारा एरिया है बिल्ट अप एरिया, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हैजार्डस बिल्डिंग की पॉपुलेशन निकल कर आ जाएगी। दोस्तों ये बिल्डिंग की क्लासिफिकेशन है जो NPCA ने हमें दी है, जिसमें लगभग 9 कैटेगरी आती हैं, रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, चौथे पे असेंबली, पाँचवें पे मर्केंटाइल, बिजनेस, इंडस्ट्रियल स्टोरेज, हैजार्डस। उसके हिसाब से पॉपुलेशन किस तरीके से निकाला जाता है वो ये टेबल NPCA ने दी है।